खबर को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। किसान ने 15 क्विंटल भूसे को गौशाला में किया है दान और ये क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर के शिव कुमार शर्मा जी जो कि एक छोटे से किसान ने गौशाला में भूखी तड़प रही गाय के पेट के लिए अजीतमल विकास से राजेंद्र सेंगर AG एग्रीकल्चर को बुलाकर 15 क्विंटल भूसा दान दिया है, जिस पर राजेंद्र सेंगर जी ने किसानों से अपील की है कि यदि प्रत्येक किसान इसी तरह थोड़ा थोड़ा भूसा गौशालाओं में स्वयं पहुंचा दे तो गायों का अच्छे से पालन भी हो और आवारा गोवंशों को भी गौशालाओं में आश्रय मिलेगा, जिससे किसानों की फसलों का नुकसान भी नहीं होगा। वहीं मीडिया अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिव कुमार के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य से उसका आरंभ व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि इसी तरह क्षेत्र का प्रत्येक किसान गौशाला के को भूसा चारा दान देने लगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र में होने वाली दैनीय आपदा पर निजात मिले एवं किसानों की फसलें भी सुरक्षित बनी रहे। साथियों, जैसा कि आज अजीतमल विकास खंड के एडीओ एजी कल्चर श्री राजेंद्र सिंह सेंगर जी के द्वारा बताया गया कि अजीतमल क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के एक किसान जिनका नाम शिव कुमार सिंह जी है, शिव कुमार सिंह जी ने गौशाला को 15 क्विंटल भूसा देकर के बेहद सराहनीय कार्य किया है। मैं शिव कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और मैं क्षेत्र के सभी किसानों से भी अनुरोध करता हूं कि यदि शिव कुमार सिंह जी की तरह या शिव कुमार जी से प्रेरणा लेते हुए आप सब लोग 15 क्विंटल नहीं 2 क्विंटल 3 क्विंटल जिसकी जितनी आस्था है वो अपने क्षेत्रीय गौशालाओं को दान दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र में होने वाली दैवीय आपदाएं कम होंगी और आप लोगों की फसलें भी सुरक्षित होंगी, क्योंकि गौशालाओं में चारा भूसा की कमी से आवारा गौवंशों में बढ़ोतरी हो रही है और जब आप लोग स्वयं गौशालाओं को चारा भूसा दान करेंगे तो निश्चित रूप से ये गौशालाओं के प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी आवारा गौवंश हैं वो गौशाला